भाई फीचर्स देना ना यार, मारुति सुजुकी ब्रांड वालों से कोई सीखे यार कि फीचर्स कैसे दबा दबा कर दिए जाते हैं किसी भी गाड़ी में। हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बेस से एक ऊपर वाली वेरिएंट। भाई बेस वेरिएंट भी लोगे ना तो अच्छे खासे फीचर्स आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाते हैं। तो बेस वेरिएंट आती है सिग्मा नाम से, उसके बाद आ जाती है डेल्टा, जेटा और सबसे टॉप मॉडल अल्फा। चार वेरिएंट्स आपको मिलते हैं इस ग्रैंड विटारा में। अब बात आती है फीचर्स और प्राइस इन सब को लेकर। देखो गाड़ी जो है इसके कंपटीशन में आ रही है अभी का टाइम न्यू वाली सेल्टोस या फिर बात कर ले न्यू वाली क्रेटा। लेकिन यार ये गाड़ी भी किसी से पीछे रहने वाली है नहीं। माइलेज वाइलेज भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है इसमें भी। हाइब्रिड वाला जो आता है प्रॉपर हाइब्रिड वो सिस्टम मिल जाता है, ये तो खैर नॉर्मल अपना स्मार्ट हाइब्रिड वाला है। तो ये लेने जाते हो इसके लिए आपको एक शोरूम देने पड़ते हैं 12,10,000 रुपये और ऑन रोड अपने पटना बिहार यानी गोपाल नेक्सा में पड़ जाता है 14,10,000 रुपये का। लेकिन 14 लाख रुपये के हिसाब से गाड़ी की साइज वाइज देख लो, फीचर्स आपको दिखाएंगे भाई, सारा कुछ सही मिलता है। आ जाओ सबसे पहले फ्रंट की ओर, इसका जो है DRL वो ऑन कर लिया जाए और हाँ इंडिकेटर भी ऑन कर लिया जाए। फ्रंट में यहाँ पर आप आते हो तो देख रहे हो बेस वेरिएंट से ही आपको DRL मिलने लगते हैं, वो चीज़ आपको इसमें भी मिलते हैं LED वाले। ये चीज़ हैं नॉर्मल आपको हेलोजन वाला प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम दोनों आपका जलेगा और इस जगह सुजुकी का लोगो हो गया। पियानो ब्लैक कलर का आता है, ग्रिल क्रोम कलर यहाँ यहाँ मतलब चौड़ा सा क्रोम कलर का पट्टी मिल जाता है। इंडिकेटर आपका इसी के अंदर साइड में जलेगा यानी DRL इंडिकेटर सारा चीज सेम सिस्टम मिल जाता है। टायर साइज जो है ये अपना मिलता है 215/60R17। बाइक बेस लो टॉप लो 17 इंच का आपको मिलने वाला है ये जो अपना साइज है। तो कोई बड़ा बात है नहीं, आपको अगर अलॉय व्हील चाहिए यानी इस लुक से आप निजात छुटकारा पाना चाहते हो तो टायर आपको नहीं बदलने होंगे, बस अलॉय व्हील ले लो आपके काम हो जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 205 से 210 mm का। और एक चीज़ ये देख रहे हो भाई क्या है यार, जल्दी कोई ब्रांड को पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देता है, ड्राइवर साइड सिर्फ मिलता है। लेकिन इसमें आपको 12-14 लाख रुपए में इस जगह रिक्वेस्ट सेंसर मिल जा रहा है, ORVM के ऊपर इंडिकेटर मिल जा रहा है और पीछे साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक कैलिपर मिलता है यानी ऑल फोर व्हील्स डिस्क ब्रेक के साथ मिलेंगे। बात रही पीछे साइड की, भाई पीछे साइड से भी यार टेल लैंप जो है आपको सेम टॉप मॉडल वाला मिलता है यानी कनेक्टिंग वाला चीज़ मिल जाता है। LED लाइट के साथ ये रेड कलर जलेगी। ये हो गया यहाँ पर के सेटअप। इंडिकेटर आपको नॉर्मल हैलोजन मिल जाएंगे, रिवर्स लाइट आपको नॉर्मल हैलोजन मिल जाएंगे और टैंक जो है वो अपना यहाँ से ओपन होगा 40-45 लीटर का भाई कैपेसिटी मिलता होगा। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, रियर कैमरा हो गए, सुजुकी का लोगो हो गया, ये पियानो ब्लैक कलर में ना अच्छा लगता दिखने में। रियर वाइपर नहीं मिलते हैं लेकिन डिफॉगर मिल जाएंगे, हाई माउंट स्टॉप लैंप, सार्फिन एंटीना, ये सारे चीज़ आपको जाते हैं मिल। और बूट ओपन करते हो, बूट स्पेस 370-380 लीटर के करीब का मिलता है। पीछे वाला जो सीट है ये देख रहे हो 60-40 में फोल्ड अनफोल्ड वाला सिस्टम मिल जाता है। भाई ये सारे चीज़ यार मतलब काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएंगे। और ये रहे इसके व्हील कैप, व्हील कैप लगा लो आपको दिखने में थोड़ा अच्छा सा लग जाएगा। बूट लैंप मिल जाते हैं नॉर्मल हैलोजन वाले, 12V 120W का एक चार्जिंग सॉकेट, पार्सल ट्रे और स्पेयर टायर कितना है ये चेक किया जाए थोड़ा। भाई ये स्पेयर टायर, ओ भाई साहब देख रहे हो यार 215/60R17 यार सेम साइज का है यार। कॉस्ट कटिंग यहाँ पर नहीं की है मारुति सुजुकी वालों ने। सेफ्टी के मामले में कहें तो मारुति सुजुकी के पास अभी जो सबसे अच्छी गाड़ी है ना मतलब 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग वो भाई शायद यही गाड़ी है, इसके अलावा कोई और गाड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ आते हो तो इस जगह आपको फैब्रिक मिल जाते हैं, ये थोड़ा लेदर टाइप का आपको लग रहा होगा बट है हार्ड प्लास्टिक। ORVM से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, ORVM आपका इसमें फोल्ड अनफोल्ड वाला सिस्टम मिलता है। चाबी पहले आपको दिखाते हैं, तो चाबी आपको कुछ ऐसा सा मिल जाए, गाड़ी लॉक करना है लॉक कर, ओ भाई नहीं फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे, लॉक करो अनलॉक करो आपके लाइट वहाँ बेशक से जल जाएंगे। ड्राइवर साइड वाला आपको वन टच अप वन टच डाउन मिलता होगा, ये वन टच अप तो चला गया, वन टच डाउन चेक करते हैं, वन टच डाउन भी चला गया, बाकी सारे नॉर्मल कंट्रोल्स मिलते हैं। हाँ फोल्ड अनफोल्ड आपका यहाँ से हो जाएगा, तो भाई झंझट है नहीं यार, 1800 रुपये लगाओ
रिले कंपनी वाले आपको यहाँ पर सेट, कंपनी वाले नहीं मतलब आफ्टर मार्केट जाओगे सेट कर देंगे, उसके बाद आप इसके मजे ले पाओगे चाबी से फोल्ड अनफोल्ड, ये चीज़ अपना हो जाएगा। बोतल होल्डर हो गया, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है और इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, ये हो गया, हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है भाई। और क्या चाहिए यार, अंदर साइड आ जाओ, यहाँ तो असल जो चीज़ है वो दिखाना है भाई। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जा रहा है इस जगह, इंडिकेटर बंद हो जा बेबी, तो ये आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, इस वाले वेरिएंट से आपको ये चीज़ मिलने लगता है। मैनुअल हेडलैम्प का कंट्रोल मिल जाता है, मैनुअल आपका वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, और ये जो देख रहे हो आपका इस 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिलता है। कॉल कट करना हो, रिसीव करना हो, वॉइस कमांड देना हो, वो सारा सिस्टम मिल जाएगा। हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है, ये टोटल आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है डैशबोर्ड के ऊपर, लेकिन इसका जो कलर वलर है वो एक नंबर लगता है दिखने में, कोई कंप्लेन नहीं है। ऑटोमेटिक एसी का कंट्रोल मिल जाता है, कार कनेक्टेड मतलब ये जो है अपना एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वो सारा चीज़ इससे कनेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये हो गया ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, 12 वोल्ट 120 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर भाई, आर्म रेस्ट, अंदर साइड में स्टोरेज स्पेस भाई, एक ही दिल यार कितने बार जीतेगी ये मारुति सुजुकी ब्रांड, काफ़ी लोग की तो दिल जीत रही है इस जिमनी को लाकर। मैनुअल IRVM यहाँ पर मिल जाता है, रीडिंग लैंप जो है ये आपको नॉर्मल हैलोजन वाले मिलते हैं, सनग्लास होल्डर नहीं मिलेंगे। इस साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं, इस साइड भी आपको मिल जा रहे हैं, मतलब सही है, जल्दी कोई इधर नहीं देता, उधर बेशक से दे दे। ग्लो बॉक्स जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, MID 3 पार्ट में मिलेंगे, एनालॉग वाले आपको स्पीडोमीटर मिल जाएंगे, एनालॉग वाले टैकोमीटर मिल जाएंगे, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, ये हो गया अपना इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग, बीच में डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ मिलते हैं भाई, तो ये थोड़ा जो है मारुति सुजुकी ओल्ड टिपिकल जिसे कह सकते हैं वो चीज़ मिल जाता है ये कंट्रोल यहाँ पर। क्या माइलेज दे रहा है वो सारा चीज़ ड्राइविंग टाइम बताएगा, और आगे बढ़ते हो आइडल स्टार्ट स्टॉप कितने देर से स्टार्ट है, ये आ गई अपना क्लॉक, मोशन, पावर टॉर्क क्या डिलीवर कर रहा है, इंजन मोटर, ये तो खैर भाई फेक चीज़ है, हाइब्रिड वाइब्रिड है नहीं, बस नाम के इन लोगों ने स्मार्ट हाइब्रिड इसमें कर दिया है। प्रॉपर जो हाइब्रिड आता है उसका एक अलग मजा होता है, वो चीज़ लोगे तो भाई ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ सारे फीचर्स आपने लिया देख, अब आ जाओ बारी है पीछे वाली सीट पर चलने की, वहाँ दिखाते हैं यहाँ क्या क्या माजरा है। तो ये अपना अनलॉक हो गया, यहाँ से पीछे साइड में भी सेम आपको फैब्रिक दिए गए हैं, स्पीकर मिल जाते हैं, टोटल मेरे हिसाब से 4 स्पीकर्स मिल रहे हैं क्योंकि 4 ही तो मुझे दिख रहे हैं। ये हो गया अपना विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, AC वेंट्स मिल जा रहे हैं, 2 आपको चार्जिंग सॉकेट, एक USB वाला, दूसरा टाइप सी वाला चार्जिंग सॉकेट मिल जा रहा है। रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं नॉर्मल हैलोजन वाले, भाई सही है यार, फीचर्स देखते हो ना, ये देखो 3 आपको हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं भाई, आर्मरेस्ट भी मिल जा रहे हैं, तो सही है, कोई शिकायत वाली बात है नहीं। मारुति सुजुकी ना यूं ही नहीं अपनी गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल्स करता है, देख रहे 2 बोतल होल्डर के साथ ये चीज़ भी दे रहे हैं कंपनी वाले। सीट्स की जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन चॉकलेटी कलर और ये अपना ब्लैक कलर का मिलता है। सीट बेल्ट में हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जा रहा है, तो भाई फीचर्स देना ना यार, मारुति सुजुकी ब्रांड वालों से कोई सीखे यार कि फीचर्स कैसे दबा दबा कर दिए जाते हैं किसी भी गाड़ी में। ये इसको कीजिए बंद और यहाँ से ओपन कर लीजिए इंजन हुड इसका। इंजन की जहाँ तक बात है यार, इंजन काफ़ी रिफाइंड आपको मिलता है, हालांकि इसके कंपटीशन में सेल्टोस क्रेटा के भी जो 1.5 पेट्रोल आता है ना या डीजल भाई, वो सभी बहुत नामी अच्छा इंजन है, बस उसमें थोड़ा माइलेज कम मिले, लेकिन यार पावर के मामले में गाड़ी कतई इससे आगे निकल जाती है। यहाँ पर पैडिंग वाइडिंग मिल जाएगा, ये देखो अपना 4 सिलेंडर इंजन है, तो ये इंजन 101 BHP का पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क अपने को डिलीवर करके दे देती है। बाकी देख रहे हो वेट अच्छा खासा मतलब सही है, बिल्ड क्वालिटी सही यार इस गाड़ी का। अब आप सोचोगे कि डिजायर जैसा या फिर वैसा, तो उससे तो लाख गुनी अच्छी ये गाड़ी आपको सेफ्टी के मामले में है। एयरबैग्स आपको 2 ही मिलते हैं इसमें, फ्रॉन्क्स तो हालांकि ना, हाँ भाई 2 ही मिल रहे हैं यहाँ पर, नहीं मिल रहे हैं। तो यही मोटा मोटी भाई फीचर्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी में। अब आप बताओ
आप इतने पैसे में सेल्टोस के पास जाना पसंद करोगे या इसी गाड़ी की तरफ, वो आपके ऊपर है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ, बी सेफ।